वेलकम टू स्टेप अप, आइए। स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 29 मार्च 2019। तो इंडेक्स देख लेते हैं आज हमारे पास क्या क्या डिस्कस करने को है। सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखेंगे सरदार पटेल जी का। इंडियन एक्सप्रेस से आज हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और उन पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेंस के, जो हम डील करेंगे। तो एक आर्टिकल है देयर राइट टू द सिटी, एक आर्टिकल और है द राइटफुल प्लेस इन द स्पेस, एंड वन मोर आर्टिकल आर साइलेंस ऑन पॉवर्टी। तो ये तीनों आर्टिकल्स हैं, ये वो टाइटल हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपको डील करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की जगह देख लीजिए आप। ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कस नहीं करना है। ये न्यूजीलैंड के क्रिश्चियन चर्च नाम की जगह पर मॉस्क में जो हमले हुए उसके बारे में आर्टिकल है। ये आर्टिकल पॉवर्टी के बारे में है। सारी बातें तो महत्वपूर्ण नहीं, एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल दिल्ली हाई कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में है जो कि स्लम ड्वेलर से संबंधित है। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, दैट इज स्लम, ये गलत स्पेलिंग है, स्पेलिंग होगी SLUM, स्लम, ठीक है। तो स्लम ड्वेलर्स के बारे में ये आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, डिटेल से चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल मिशन शक्ति के बारे में है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, हम इस पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस पेज पर और कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे राइटिंग के लिए आज हमारे पास जो सरदार पटेल का कोटेशन है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देयर इज समथिंग यूनिक इन दिस सॉइल व्हिच डिस्पाइट मेनी ऑब्स्टिकल्स हैज ऑलवेज रिमेन्ड द अबोड ऑफ ग्रेट सोल्स। कुछ तो खास है इस देश की मिट्टी में, जो यहाँ पर इतनी दिक्कतों, इतनी कमियों के होने के बावजूद भी हमेशा से महान आत्माओं ने निवास किया है। जब भी आप किसी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हों, तो अपने टॉपिक को कंक्लूड करते वक्त आप सरदार पटेल जी के इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन है फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। यहाँ पर आप क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को भी अवेल कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम अभी 6 मंथ एंड 3 मंथ के स्लॉट में भी अवेलेबल है, तो आप उसे उस हिसाब से भी अवेल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप कोई और डिटेल्स चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं पहला आर्टिकल, अ राइटफुल प्लेस इन द स्पेस। पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ASAT एंटी सैटेलाइट का सक्सेसफुल जो एक मिशन हमने कंप्लीट किया, जिसे मिशन शक्ति के नाम से जाना गया, उसके बारे में ये आर्टिकल है। राइटर ये कहते हैं कि इसके बाद इंडिया सही जगह पर, सही टेबल पर पहुंच गया है। तो मिशन शक्ति के बारे में हमने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था, हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। कल के आर्टिकल में तो इस पूरे मूव को इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज राइटर इसके पॉजिटिव्स बता रहे हैं। तो हमने कल के टॉपिक्स को भी डिटेल से डिस्कस किया था और आज भी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इंडिया का जो एक सक्सेसफुल एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुल रहा वेडनेसडे को, इसने इंडिया के डिफेंस प्रिपेडनेस में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। जो ग्लोबल रिएक्शन रहा वो मिक्स रहा, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जैसे कि चाइना ने तो काफ़ी संभल के बात बोली, पाकिस्तान का रुख वैसा ही था जैसा होना चाहिए, सरप्राइजिंग नहीं था। तो जो भी रिएक्शन था वो कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था, ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। इस स्थान पर देखिए, एक महत्वपूर्ण बात एनालाइज करने वाली है, वो ये है कि आखिर इसके पीछे का रैशनल क्या है। बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल नॉइज़ को ध्यान में रखें या उससे प्रभावित हों, हमें इसकी रैशनैलिटी को डिस्कस करना चाहिए, इसके ग्राउंड्स को समझने का प्रयास करना चाहिए। इंडिया के पहले केवल 3 देश ऐसे थे जिनके पास ये क्षमता थी, नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना। देखिए, ASAT मतलब एंटी सैटेलाइट्स को डेवलप करना, ये डिबेट तो लगभग धुंधली हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी तब तक जब 2007 में चाइना ने इसका टेस्ट किया। 2007 की पहले तक तो लोग इसे भूल चुके थे, कोई इस बारे में सोचता भी नहीं था कि ऐसी मिसाइल डेवलप की जाए जो कि सैटेलाइट्स को मार गिराए। USA और USSR ने ऐसी सैटेलाइट्स, इनफैक्ट ऐसी मिसाइल्स को, सैटेलाइट्स को मारा जाता है मिसाइल्स के जरिए, तो सैटेलाइट्स नहीं बल्कि मिसाइल्स को डेवलप किया जाए जो कि सैटेलाइट्स को मार सकें। ये 1960 में ऐसी क्षमता को डेवलप किया गया था USA और USSR के द्वारा, लेकिन उसे कोल्ड वॉर की लिगेशी माना जा रहा था। ये माना जा रहा था कि कोल्ड वॉर में दोनों कम्पीट कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसी जो पावर्स थी उनको डेवलप किया था। आज उसकी आवश्यकता नहीं है और ऐसा कोई देश प्रयास भी नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद चाइना ने एक टेस्ट कंडक्ट किया 2007 में, और उसके बाद उसने अपने खुद के एक वेदर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जो लगभग 750 kg का था, और वो सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। देखिए, 850 मीटर की जो ऊंचाई है ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही आती है, क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट का जो एरिया है वो अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का है। इंडिया ने जो सैटेलाइट शॉट डाउन किया वो 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, और चाइना ने जो टेस्ट किया था वहां पर उन्होंने अपने सैटेलाइट को 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर मारा था, अपने वेदर सैटेलाइट को, जो कि
निष्क्रिय हो चुका था, बिना काम का था। लेकिन यहाँ पर जब चाइना ने सैटेलाइट को मारा था अपने खुद के, तो उन्होंने काफ़ी सारा डेब्रिस क्रिएट कर दिया था स्पेस में, जो कि आज भी वहाँ पे प्रेजेंट है और कई सारे सैटेलाइट्स के लिए थ्रेट भी क्रिएट करता है। बिकॉज अगर कोई हिस्सा किसी अन्य सैटेलाइट से टकरा जाए तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है या फिर खराब कर सकता है, इंक्लूडिंग चाइनीज वंस, मतलब चाइना की खुद की सैटेलाइट्स को भी उससे नुकसान होने की संभावना रहती है। अगर आप इंडिया का कंपैरिजन करें तो इंडिया ने काफ़ी लोअर लैटिट्यूड में ये टेस्ट किया। इंडिया ने 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने एक सैटेलाइट को शॉट डाउन किया और उसका जो मेजर पोर्शन रहा डेब्रिस का, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही वापस आ जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। और जो एक सरफेस आता है, जो एक एरिया है एटमॉस्फेयर का, वहां पर वो आकर जलकर खत्म भी हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जहां चाइनीज के इस चाइनीज टेस्ट ने बहुत बड़ी मात्रा में स्पेस डेब्रिस क्रिएट किया था, वहीं दूसरी ओर इंडिया का ये जो टेस्ट रहा, ये डेब्रिस फ्री टेस्ट रहा, मतलब यहां पर कुछ खास डेब्रिस क्रिएट होने की संभावना है नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पर नोट की जानी चाहिए कि इंडिया लगातार काफ़ी लंबे समय से डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस जो स्पेस के संबंध में है उन्हें प्रोपेगेट करता रहा है कि हमारे पास ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे कि स्पेस में डेब्रिस क्रिएट ना हो, क्योंकि उससे हम स्पेस को गंदा करेंगे और साथ ही भविष्य की जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। हैंस इट इज़ नॉट फॉर इंडिया टू बी सीन एज गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल। तो इस लिहाज से इंडिया को इस तरीके से देखा जाना उचित नहीं होगा जहां पर इंडिया अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहा है और ह्यूमन मेड डेब्रिस से स्पेस को गंदा करने का प्रयास कर रहा है। ये जो अप्रोच है ये गलत माना जाएगा। तो क्या इंडिया ने जो वेडनेसडे को ये टेस्ट किया है, ये 2007 में किए गए चाइना के टेस्ट का एक रिएक्शन था? इस सवाल का जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। चूंकि चाइना ने ये टेस्ट 12 साल पहले किया था, तो इसे नी जर्क रिएक्शन कहा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम 12 साल बाद अगर काम कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि हम इसे उसका रिएक्शन कहें। इंडिया ने तो उसके बाद काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर लिया है स्पेस के फील्ड में। हमारे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आज स्पेस में हैं जो कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने अपने एडवर्सरीज को मैसेज दे दिया है कि लो अर्थ ऑर्बिट में अब हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो सिक्योर हैं, और अगर कोई अन्य उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो वो अपनी खुद की सैटेलाइट्स को सुरक्षित ना समझे। इस आधार पर ये जो टेस्ट था, इसे एक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो कि एक डिटरेंस भी क्रिएट करता है सभी एडवर्सरीज को, चाइना तो उनमें से सिर्फ एक है। यहां पर इस बात पर भी जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि एक जो देश है वो महज एक ए सैट डेवलप करने के बाद स्पेस पावर नहीं बन जाता। मतलब अगर आपके पास कुछ सैटेलाइट्स को मार गिराने की क्षमता है तो आप स्पेस पावर नहीं बन सकते, बिकॉज उसके लिए आपको और भी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी। लेकिन हाँ, मिसाइल के डोमेन में ये हमारी कुशलता, हमारी एक्सपर्टीज को ज़रूर शो करता है। इंडिया में ऑल्सो हैव कंसीडर्ड द हिस्ट्री ऑफ नॉन प्रोलीफरेशन निगोशिएशंस। इंडिया ने हमेशा से नॉन प्रोलीफरेशन को एडवोकेट किया है। नॉन प्रोलीफरेशन से हमारा मतलब होता है कि किसी चीज़ के विस्तार को रोकना। किस चीज़ के विस्तार को रोकना? जिस चीज़ के विस्तार को आप रोक सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के विस्तार को रोकना एंड कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के विस्तार को रोकना, तो उन्हें हम नॉन प्रोलीफरेशन निगोशिएशन कह सकते हैं। ऐसे ही निगोशिएशंस को एडवोकेट किया करता था इंडिया कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो जब इंडिया ऐसी चीज़ को एडवोकेट कर रहा था तो क्या हुआ? एनपीटी तैयार कर लिया गया, नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी। लेकिन यह एनपीटी काफ़ी बायस था। इसमें क्या कहा गया था कि जिन 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे 1964 तक आ गए थे, केवल वही न्यूक्लियर वेपन कंट्री बने रहेंगे और बाकी कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स को अवेल नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल बायस ट्रीटी थी। मतलब यहाँ पर 5 स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन्स रखने के सर्टिफिकेट दे दिए जा रहे थे और बाकी दुनिया के अन्य लोगों को सेकेंडरी सिटीजन बना दिया जा रहा था। तो इंडिया ने तो एनपीटी को कभी साइन ही नहीं किया। तो ऐसी ट्रीटीज भविष्य में जब नॉन प्रोलीफरेशन के निगोशिएशंस आए तो तैयार ना हो। देखिए, उसके बाद इंडिया ने 1998 में अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया। अब अगर कोई ऐसी ट्रीटी साइन होगी तो ये नहीं कहा जा सकता इंडिया से कि हम रखेंगे और आप छोड़ दो। नहीं, अब छोड़ेंगे तो सब छोड़ेंगे और रखेंगे तो सब रखेंगे। अब इंडिया दावेदार है ये कहने का कि हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, आप भी छोड़िए और मैं भी छोड़ूंगा। इंडिया नहीं चाहता कि कोई ऐसी सिमिलर सिचुएशन आउटर स्पेस में भी क्रिएट हो जब निगोशिएशन तैयार हों, जहां पर कुछ देश कहें कि नहीं, हमारे पास ये क्षमता है, कोई और इसे डेवलप नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति अब ना आए उसके बाद कि पता चला भविष्य में ऐसी स्थिति आ जाए कि यूएसए, रसिया और चाइना जो ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो किसी अन्य देश के या फिर सैटेलाइट्स को मार सकते हैं, उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करें। तो अब अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाएगी तो उन्हें इंडिया के साथ इंगेज होना पड़ेगा। और जो टेस्ट अभी इंडिया ने किया है, इसने इंडिया को सही जगह दी है, सही टेबल पर पहुंचाया है।
मतलब अगर निगोशिएशंस इसके बाद होते हैं नॉन प्रोलिफरेशन के संबंध में ऐसी मिसाइल्स को लेकर, तो इंडिया ऑन टेबल होगा, इंडिया अपनी बात रख सकता है, इंडिया अपने प्रिंसिपल्स को एडवोकेट कर सकता है, चाहे स्पेस का वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए, हम भी अपनी क्षमता को त्याग देंगे, आप भी त्याग दीजिए। लगभग एक दशक पहले की बात है, यूरोपियन यूनियन डिबेट कर रहा था कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए आउटर स्पेस एक्टिविटीज के लिए, इसे आप TCBMS कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन आउटर स्पेस एक्टिविटीज। इस संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एक ड्राफ्ट कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया था, ड्राफ्ट COC आप उसे कह सकते हैं, अक्टूबर 12 के बाद से इसे लागू किया जाना था, शुरू होना था ये, लेकिन कई सारे निगोशिएशंस में भी बात बन नहीं पाई और इसमें बार बार अमेंडमेंट किया गया, चार बार अमेंडमेंट किया गया इस COC में, लेकिन जो मेजर पावर्स थी वो उसके बाद भी उस COC पर सहमत नहीं हो पाए और अब वो निगोशिएशन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया लेकर आया था रशिया, और चाइना भी उसमें इन्वॉल्व था, रशिया और चाइना दोनों ये आइडिया लेकर आए थे, जिसे PPWT कहा गया था, प्रिवेंशन एंड प्लेसमेंट ऑफ वेपन इन आउटर स्पेस, मतलब आउटर स्पेस में जाकर वेपन्स वगैरह नहीं रखे जाएंगे, प्लेस नहीं किया जाएगा, उसे रोका जाएगा ताकि आउटर स्पेस में वेपनाइजेशन आगे ना बढ़े, हथियारों की होड़ वहां ना शुरू हो। लेकिन इस पर भी किसी ने कुछ खास रुचि दिखाई नहीं, पार्टिकुलरली USA और EU, और ये जो मैकेनिज्म था ये भी ठंडा पड़ गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इंडिया हमेशा से रेडी रहा है यूनाइटेड नेशंस में कि ऐसे मुद्दों पर डिबेट किया जाए, और इंडिया हमेशा से कीन रहा है, इच्छुक रहा है कि एक रूल बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए स्पेस के लिए। तो क्या इंडिया स्पेस को वेपनाइज करके स्पेस पावर क्रेडेंशियल को बढ़ाना चाहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने हमेशा स्पेस के वेपनाइजेशन के खिलाफ बात की है। इंडिया इस बात को समझता है कि स्पेस मिलिट्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि आपके मिलिट्री पावर को स्ट्रांग कर सकता है। अगर आप स्पेस में लड़ाई लड़ने जाएंगे तो फिर वो लड़ाई कहाँ जाएगी पता नहीं। स्पेस में जो आपकी क्षमता है वो केवल फोर्स मल्टीप्लायर हो सकती है, आपकी शक्ति को वो बढ़ोतरी कर सकती है। स्पेस में वॉरफेयर को ले जाना इंडिया के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है, और विक्रम साराभाई जी के समय से ही इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि स्पेस का इस्तेमाल हमेशा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। आप वहाँ पर सैटेलाइट्स छोड़िए जो लोगों को आपदा से बचा सकें, जो लोगों को कम्युनिकेट करने मदद कर सकें, इसलिए नहीं कि यहाँ पर आप हथियार डिप्लॉय कर सकें। तो ये इंडिया का हमेशा से अप्रोच रहा है। एक क्वेश्चन मीन्स के लिए, द सक्सेसफुल ASAT टेस्ट हैज अर्नड इंडिया इट्स राइटफुल प्लेस ऑन हाई टेबल। कमेंट करना है आपको इस क्वेश्चन के बारे में 200 शब्दों में। देखते हैं अगला आर्टिकल, देयर राइट टू द सिटी, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू वाले टॉपिक से। आइए बात करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा होगा शहरों में बिल्डिंग्स के किनारे छोटी छोटी झुग्गियां होती हैं जहां पर परिवार रह रहे होते हैं। स्लम ड्वेलर्स, जो इन स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, उन्हें कई बार इनक्रोचर्स कह दिया जाता है, मतलब उन्होंने उस जमीन पर कब्जा जमा कर रखा है। देखिए, उनकी स्थिति तो काफी खराब होती है, सैनिटेशन की दिक्कत होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, उनके घर कैसे होते हैं वो आपके सामने हैं। ये घर अगर बहुत अच्छी बरसात हो या बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो तो उसे झेल नहीं पाते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत खराब होती है। उस स्थिति में अगर उनसे उनके रहने के अधिकार को भी छीन लिया जाए तो इसे किसी भी लिहाज से मोरल नैतिक नहीं कहा जा सकता। तो इस स्थिति में क्या यहाँ पर रहने वाले लोगों को इनक्रोचर कहा जाना उचित है? एट द सेम टाइम ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं बाकी के सिटी ड्वेलर्स को, वो सर्विसेज बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। ये हाउसिंग की सर्विसेज देते हैं, सैनिटेशन की सर्विसेज देते हैं, मतलब अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड ना करवाएं शहर के अन्य ड्वेलर्स को तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन ये लोग जो शहर को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसी सर्विसेज देते हैं जो सर्विसेज अवेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो ये सर्विसेज ना दे तो। ऐसे लोगों के हितों की रक्षा ना की जाए तो किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो सही दिशा में जा रही है? इसी संबंध में 18 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया जहां पर उन्होंने स्लम ड्वेलर्स के बारे में ये कहा कि वो सेकेंडरी सिटीजन्स नहीं हैं, उनके अधिकार अन्य नागरिकों के समान ही हैं। अथॉरिटीज स्लम ड्वेलर्स को उनकी जमीन से इलीगल तरीके से, या उनकी जमीन को ये कहकर कि उन्होंने इलीगल तरीके से वहां पे ऑक्यूपेशन कर रखा है, आर्बिट्री मैनर में वहां से हटा नहीं सकते, बिना नोटिस के भी नहीं हटा सकते। कोई भी अनअनाउंस्ड एविक्शन विदाउट रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्लान इज नॉट परमिटेड। आप बिना अनाउंस किए, बिना उन्हें दूसरी जगह पे स्थापित करने की व्यवस्था किए, उन्हें उनकी जगह से नहीं हटा सकते। स्लम ड्वेलर्स को अक्सर इंक्रोचर्स कह दिया जाता है सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा, मेनस्ट्रीम मीडिया के द्वारा, इवन कोर्ट्स के द्वारा भी। लेकिन इस जजमेंट में सरकार ने यह साफ किया है कि वो अन्य नागरिकों की तरह ही हैं, वो इंक्रोचर्स नहीं हैं, वो वहां रहने वाले निवासी हैं। पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग में भी जो अर्बन स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, देयर रेसिडेंट्स हैव बीन सीन एज द एंटीथेसिस टू व्हाट प्लान्ड
एंड वॉट इज लीगल। उनका वहां पर रहना अक्सर इलीगल और अनप्लान्ड माना जाता है और सिटी की ब्यूटी मतलब शहर की सुंदरता पर एक धब्बा माना जाता है। ऐसी एक बहुत ही पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग पता नहीं कैसे बट डेवलप हो चुकी है। लेकिन इस पॉपुलर व्यू के अगेंस्ट नंबर ऑफ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं, एक्टिविस्ट ऐसे भी हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो इंक्रोचर्स नहीं हैं बल्कि वो इक्वल राइट वाले सिटीजन्स हैं जिनको वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो कि बाकी लोगों को प्राप्त हैं। जो ओकेशनल पॉलिटिकल क्लेम्स हैं जहां पर वो बार बार क्लेम करते हैं कि वो सभी लोगों का ध्यान रखेंगे, जबकि इसका एक सोशियोलॉजिकल बेसिस भी है कि समाज में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है जो अन्य लोगों को सर्विसेज ऐसी सर्विसेज दे पाते हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत रेयर होती हैं, हैज़ नॉट हैड साउंड लीगल ग्राउंडिंग। लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ लीगल ग्राउंडिंग तैयार नहीं की गई है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस भी हायर जुडिशरी से आए हैं लेकिन कुछ सब्सटेंटिव राइट्स स्लम डेलर्स को नहीं मिल पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा था कि जो राइट टू लाइफ है वहां पर राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, लेकिन फिर भी स्लम डेलर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक रिलीफ की बात यहां पर भी नहीं की गई। एक और केस था सुदामा सिंह वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया था कि गवर्नमेंट एजेंसीज को एक प्रॉपर सेफगार्ड और प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे जब भी वो झुग्गीज या स्लम में रहने वाले लोगों को डील कर रहे हों या वहां से उन्हें हटा रहे हों। लेकिन कन्फ्यूजन फिर भी ये बनी रही कि क्या उन्हें या इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना जरूरी है। लेकिन जो वर्तमान में अभी जजमेंट आया इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यहां पर स्लम डेलर्स को इक्वल राइट्स वाला सिटीजन डिक्लेयर किया गया, माना गया, जहां पर जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसे तवज्जो दी गई और इलीगल इविक्शन को रोका गया। जो वर्डिक्ट है वहां पर इन लोगों को सिटीजन कहा गया, इनक्रोचर्स नहीं कहा गया, जिनके पास वहां पर रहने का अधिकार है और बिना प्रायर नोटिस के वहां से उन्हें नहीं हटाया जा सकता। दूसरी बात कि यहां पर एक साउंड लीगल डॉक्ट्रिन की बात की गई है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, आप किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को वहां से नहीं हटा सकते। जजमेंट में इस बात को भी डिस्कस किया गया है कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रोविजंस हैं या फिर जो हमारा संविधान है वो भी इस बात के ऑब्लिगेशन को इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके रहने वाली जगह से इलीगल तरीके से इविक्ट नहीं करवाया जा सकता। उस स्थिति में भी जब स्लम ड्वेलर्स मान लीजिए ऐसा पाया गया कि वो इलीगल तरीके से वहां पर जमीन ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं तब भी आप उन्हें बिना अनाउंस किए उनकी जमीन से नहीं हटा सकते। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस डिसीजन में कही गई हैं। देखिए दिल्ली की एक तिहाई जो पॉपुलेशन है वो स्लम्स में रहती है और कई बार इन्हें आर्बिट्री एविक्शन भी फेस करना पड़ता है, जबरदस्ती इन्हें उनकी जगह से हटा दिया जाता है। लेकिन अब इन्हें बिल्कुल वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि अन्य लोगों को प्राप्त होते हैं और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनके पास बंडल ऑफ राइट्स होंगे, कुछ लिमिटेड बेयर, इनके पास सिर्फ इतना अधिकार नहीं होगा कि इनके छत पे इनके सर पर एक छत हो सकती है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इनके पास लाइवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये अधिकार भी होंगे। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अब जो शहर में रहने वाले अन्य लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इनके अधिकारों को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। फॉर द रिमेनिंग रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में रहने वाले अन्य लोगों के लिए कोर्ट ने इस बात को भी पॉइंट आउट किया है कि यहां पर इस बात को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता और जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो सेकेंडरी सिटीजन्स नहीं हैं, उन्हें उस तरीके से डील नहीं किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीज को कॉमन गुड कहा, यानी कि यहां पर ये हर व्यक्ति के लिए हैं, जहां पर हर व्यक्ति के पास रहने का अधिकार है। ये इस बात को भी एक्नॉलेज करता है कि जो स्लम में रहने वाले लोग हैं वो बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं शहरों के, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जो जजमेंट है वो यहाँ पे नोट करता है दिल्ली के कंटेक्स्ट में, सच पीपल वुड इंक्लूड सैनिटेशन वर्कर्स, ऐसे लोग जो स्लम्स में रह रहे होते हैं वो सैनिटेशन वर्कर्स की तरह काम करते हैं, गार्बेज कलेक्टर की तरह काम करते हैं, ये डोमेस्टिक हेल्प करते हैं और ऐसी कई सारी वाइड रेंज की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो कि हेल्दी अर्बन लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इनके हाउसिंग नीड्स को प्रायोरिटाइज करना ये केवल मॉरल इंपरेटिव नहीं है बल्कि लीगल भी है। तो ये क्वेश्चन, ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर देखा। क्वेश्चन अब आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में अपने वर्डिक्ट में ये हेल्ड किया कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो सेकेंडरी सिटीजन नहीं है और उनके पास वही अधिकार हैं जो अन्य नागरिकों को होते हैं। आपको इस जजमेंट को एनालाइज करना है जो स्लम ड्वेलर्स के राइट्स हैं उनके रेफरेंस में, 200 शब्दों में इस क्वेश्चन को रिप्लाई करना है। अगला आर्टिकल देखते हैं, आवर साइलेंस ऑन पॉवर्टी, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए पॉवर्टी वाले सेक्शन से। आइए बात करते हैं। देखिए जब भी पॉवर्टी को एलिविएट करने की बात चलती है सीधे तौर पे, तो हर व्यक्ति के अंदर एक जो लॉयर है वो जाग जाता है और हम उसे एनालाइज करने लगते हैं। जब भी ये बात की जाती है कि एक मिनिमम अमाउंट व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को दे दिया जाए, तो दो तरीके के क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है पहला, वो तो रिटोरिकल होता है, ये कहने की बात की जाती है कि इससे जो गरीब लोग हैं वो डिपेंडेंट बन जाएंगे,
वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे या फिर वो मोरली करप्ट हो जाएंगे, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाने लगते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट तो बकवास का है, ऐसा कुछ खास काम का नहीं है, ऐसा राइटर का ओपिनियन है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये राइटर का ओपिनियन। दूसरी बात, ये कहते हैं एक जो दूसरा ओपिनियन निकल के आता है, दूसरा डायरेक्टिव निकल के आता है, वो कुछ ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि क्या ये स्कीम्स अफोर्डेबल हैं जिसमें गरीबों को कुछ पैसे देने की बात की जाती है, क्या ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उचित हैं, क्या ये इंटेंडेड बेनिफिशरीज तक पहुंच पाएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये ज़रूरी सवाल हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये कोर इश्यूज हैं। अभी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक मिनिमम गारंटी प्रपोजल दिया है कि वो 20% जो पुअर लोग हैं उनको कुछ अमाउंट पे करेंगे, पर एनम 72,000 अमाउंट पे करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने की आवश्यकता है। व्हाट इज द इनकम, मिनिमम इनकम एंड द सेट ऑफ बेसिक पब्लिक गुड। मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार एक मिनिमम इनकम देगी तो बाकी सर्विसेज को खींच लेगी, खत्म कर देगी। तो वो क्या रेशियो होना चाहिए, मतलब क्या ऐसी मिनिमम इनकम है और कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो किसी भी गरीब व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सर्विस भी मिलनी चाहिए, ये मिनिमम सर्विस है, और ये मिनिमम इनकम भी उन्हें मिलनी चाहिए। देखिए, इनकम और पब्लिक गुड ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। मतलब या तो हम ये सर्विसेज आपको देंगे पब्लिक गुड के तौर पे, या फिर आपको मिनिमम इनकम देंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब आप ये भी देंगे, पब्लिक गुड की जो सर्विसेज हैं वो तो आप देते ही रहिए, कुछ मिनिमम इनकम भी दे देंगे, तब जाके चीज़ें सही हो पाएंगी। मिनिमम सेंस ऑफ इकोनॉमिक एजेंसी देना, मतलब एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाए, ये महज बातें नहीं हैं। पॉलिटिकली ये रिकग्नाइज करती हैं कि हाँ, जो पॉलिटिकल क्लास है वो सोसाइटी की दिक्कतों को लेकर अवेयर है। सोशली ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट जनरेट करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे जनरेट करते हैं, बिकॉज अगर एक व्यक्ति के पास सीधा कैश ट्रांसफर जाता है तो वो इम्पावर होता है। इम्पावर कैसे होता है, अब उसके पास चॉइसेस बनाने की क्षमता है, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से उन पैसों को खर्च कर सकता है। और फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चॉइसेस को खुद से डिसाइड कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पैराडॉक्स आता है, जिस जो कि पॉलिटिकली हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। आखिर आप ये पैसे लाएंगे कहाँ से, इसके लिए आपको टैक्स करना पड़ेगा, और टैक्स करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है इंडिया में। मतलब अगर आप टैक्स इनहेंस करते हैं तो इसका बहुत वाइड स्केल पर विरोध होता है। अब देखिए, टैक्स को इनहेंस करना कि कुछ गरीब लोगों की मदद की जा सके, इसमें काफ़ी बवाल मचता है, बजाय इसके कि इस चीज़ को सपोर्ट किया जाए कि कुछ गरीब लोगों की मदद कर दी जाए। अल्टीमेटली जो सोशल एडवांसमेंट का बर्डन है वो जो समाज का गरीब व्यक्ति है उसे ही झेलना पड़ता है। फिर बात ये चलती है कि क्या ऐसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ऐसे ही जैसे कुछ स्कीम्स ऐसी थी जिसमें इनपुट सपोर्ट स्कीम्स थी फार्मर्स के लिए, तो इनके बारे में भी इसके पहले कुछ बात बन नहीं पा रही थी। लेकिन उड़ीसा ने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये इंस्ट्रक्ट किया कि कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेनिफिशियरीज को और ऐसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उड़ीसा की स्कीम थी कालिया स्कीम, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो उसके बाद अन्य स्टेट्स ने भी, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसी स्कीम को लॉन्च किया। तो पहले ये लगता है कि इसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन जब उसकी शुरुआत हो जाती है तो प्रोसीजर्स वगैरह बन जाते हैं और चीज़ें कंटिन्यूएशन में आ जाती हैं। अब अगर आप किसी व्यक्ति को एक मिनिमम अमाउंट दे रहे हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी, इससे इनका क्या रिलेशन है, ये तो एनालिसिस की बात है, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में ये अब एक अच्छा दौर है कि कम से कम जो गरीब लोगों के क्लेम हैं उन्हें रिकग्नाइज किया जा रहा है, और अब वो समय दूर नहीं है जबकि पॉलिटिकल क्लास इन समस्याओं पर रिस्पॉन्ड भी करेगा। आर्टिकल में बहुत महत्वपूर्ण बातें तो नहीं थी, एक जनरल सी बात थी, कुछ और भी बातें थी जो इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैंने काट दी हैं। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया आर्टिकल के बारे में, इसलिए इस आर्टिकल पे मैंने क्वेश्चन भी नहीं रखा है। इंटरव्यू का क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप अपने आप को एक एथिकल पर्सन मानते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, संभल कर जवाब दीजिएगा। मानते हैं तो क्यों मानते हैं, नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं, सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो हमारा सेशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स।